गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम 15 जनवरी के करंट अफेयर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जो सामान्य श्रेणी में यानी कि जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करेगा। राइट आंसर है गुजरात। गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको 10% आरक्षण प्रदान करेगा। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो हाल ही में स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई थी, उस रैंकिंग में गुजरात बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। ये रैंकिंग DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा जारी की गई थी। DIPP मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हाल ही में गुजरात के वडोदरा में ही भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। इसके साथ साथ 2018 का जो इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल था, गुजरात उसका पार्टनर स्टेट था। ये फेस्टिवल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था, गुजरात पार्टनर स्टेट था जबकि मॉरिशस पार्टनर कंट्री था। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस और मॉरिशस में ही पाणिनी लैंग्वेज लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा जो 2019 की वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है वो गांधीनगर में होनी है। ये 9th एडिशन होगा। इसका थीम है शेपिंग ऑफ न्यू इंडिया और UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो इसका पार्टनर कंट्री होगा। हाल ही में UAE ने 2019 को ईयर ऑफ टॉलरेंस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस अवधि के लिए देश में ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए एक 5-year एक्शन प्लान ड्राफ्ट किया है। राइट आंसर है 2018 से 2023। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए। ये एक 5 साल का एक्शन प्लान है 2018 से 2023 के लिए। ड्रग अब्यूज की बात करें तो हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के तौर पर मनाया जाता है ताकि ड्रग अब्यूज के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इसके अलावा भारत में ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए NCB है। NCB का मतलब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये गृह मंत्रालय के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और मिस्टर अभय हैं वो प्रेजेंटली NCB के डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार वार्षिक डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करवा रहा है। राइट आंसर है इंडिया। हाल ही में इंडिया ने इसकी शुरुआत करवाई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा आयोजित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था। राइट आंसर है 1666। 10वें सिख गुरु का जन्म 1666 में हुआ था। हाल ही में उनकी 352वीं जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 1666 में बिहार के पटना साहिब में हुआ था। वो 10वें सिख गुरु थे। 1699 में उन्होंने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 350 रुपये का एक कोमेमोरेटिव कॉइन जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कमांड ट्राई सर्विस कमांड है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की। राइट आंसर है अंडेमान एंड निकोबार कमांड। अंडेमान एंड निकोबार कमांड है वो भारत की अकेली ट्राई सर्विस कमांड है। अंडेमान एंड निकोबार की बात करें तो अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो मलाका स्ट्रेट के नज़दीक हैं। मलाका स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है। अंडेमान एंड निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और हाल ही में जो सिम्बैक्स एक्सरसाइज है वो भी वहीं हुई थी। सिम्बैक्स है वो भारत और सिंगापुर के बीच एक बायलेटरल नावल एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको हाल ही में एक ऑथराइज्ड इमिग्रेशन चेक पोस्ट घोषित कर दिया गया है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंडेमान एंड निकोबार है वो कलकत्ता हाईकोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में है। कलकत्ता हाईकोर्ट भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई थी। हाल ही में इसके अलावा अंडेमान एंड निकोबार के 3 आइलैंड्स का नाम बदल दिया गया है। ये 3 आइलैंड्स हैं, रोस आइलैंड जिसका नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नील आइलैंड जिसका नया नाम है शहीद द्वीप और हेवलॉक आइलैंड जिसका नया नाम है स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट बंगाल
फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने किन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? राइट आंसर है बुद्धदेव दासगुप्ता। मिस्टर बुद्धदेव दासगुप्ता को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा। वो एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं। ये जो अवार्ड है ये मिस्टर सत्यजीत रे के नाम पर रखा गया है। हाल ही में मिस्टर सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली हैं वो 100 बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की लिस्ट में शामिल होने वाली अकेली भारतीय फिल्म है। इसके अलावा हाल ही में एक और फिल्म मेकर न्यूज़ में थे। हाल ही में लीजेंडरी फिल्म मेकर मिस्टर मृणाल सेन का निधन हो गया है। बंगाली सिनेमा की बात करें तो हाल ही में 24वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। इसने बंगाली सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने को सेलिब्रेट किया। ऑस्ट्रेलिया इसका फोकस कंट्री था और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया द थर्ड वाइफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड किन्हें दिया गया है? राइट आंसर है मिस नमिता गोखले। हाल ही में मिस नमिता गोखले ने सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड जीता है। उन्हें ये अवार्ड दिया गया है उनके नोवेल थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फैमिली वन जॉब स्कीम किस राज्य सरकार की पहल है? राइट आंसर है सिक्किम। हाल ही में सिक्किम ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत हर एक परिवार में एक सरकारी जॉब प्रदान की जाएगी। ये उन परिवारों के लिए है जिनमें अभी कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। इसके साथ साथ सिक्किम ने हाल ही में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को 2022 में इम्प्लीमेंट करने की घोषणा भी की है। अगर सिक्किम ये इम्प्लीमेंट करता है तो सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रदान करेगा। इसके साथ साथ सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं मिस्टर पवन चमलिंग। वो भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम में हाल ही में पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। इस एयरपोर्ट का नाम है पाक्योंग एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी रेवेन्यू में कमी की जांच करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है उसके हेड कौन है? राइट आंसर है मिस्टर सुशील कुमार मोदी। बिहार के उप मुख्यमंत्री मिस्टर सुशील कुमार मोदी इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन भारतीय पर्सनैलिटी को पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है? राइट आंसर है प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी को पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है उनकी लीडरशिप रोल के लिए। फिलिप कोटलर की बात करें तो वो मार्केटिंग के एक प्रोफेसर हैं। उन्हें मॉडर्न मार्केटिंग का फादर बोला जाता है। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी को 2018 के सियोल पीस प्राइज के लिए भी सेलेक्ट किया गया था। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मिस्टर इमैनुएल मैक्रोन हैं उनको चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड भी दिया गया है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।